दिखाते हैं कैसे एक कार्यालय में बड़े हादसे को जो है निमंत्रण दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। खंडहर या दफ्तर, कार्यालय बना कार, जर्जर हुई बिल्डिंग, सिर पर लटकी मौत। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो किसी खंडहर की नहीं, सोनीपत में आईटीआई चौक पर बने बिजली दफ्तर की है, जहां कर्मचारियों के सिर पर मौत लटकी हुई है। कमरों के दरवाजे टूटे हुए हैं, छत से प्लास्टर भी गिर चुका है, लेकिन फिर भी कर्मचारी दफ्तर में बैठकर काम कर रहे हैं। ये काफी पुराना बना हुआ है, इसलिए ये नीचे है जगह, पानी वगैरह बरसात में पानी भर जाता है यहाँ पे, इसी चक्कर में पुरानी बिल्डिंग है यार, इसलिए दिक्कतें ज्यादा है यहाँ पे। तो आपने सुना कैसे मजबूरी में कर्मचारी काम करने को मजबूर है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बिजली कंपनियां हर साल उपभोक्ताओं से लाखों करोड़ों की कमाई कर रही है, सरकार को भी करोड़ों रुपए का राजस्व मिल रहा है, मगर इसके बावजूद बिजली कंपनी अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और सेवाओं को लेकर गंभीर नहीं है। प्रशासन भी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने में चूक नहीं कर रहा है। इस मामले पर बिजली विभाग के अधिकारी मुकेश चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो हमारा एनुअल एस्टीमेट मेंटेनेंस का तैयार करता है, उस एनुअल एस्टीमेट के मेंटेनेंस के हिसाब से वो हमारी जो भी कमियां होती हैं साल में, वो अपनी उसको देख लेते हैं, बना लेते हैं। उसमें से 15% पैसा इमरजेंसी परचेज में हम भी खर्च करते हैं। तो ऐसी दिक्कत ये तो है कि पुराने दफ्तर होने की वजह से उनकी मेंटेनेंस पे खर्चा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी कि भी कोई इमरजेंसी में कोई बिल्कुल ही इमरजेंसी वर्क आ गया तो हम उसको ठीक करा लें। पूरा कमरा कोई जहाँ दिक्कत है उसके बारे में हम भी चिंतित हैं, और हमने यहाँ पर एक पूरी कॉमन बिल्डिंग बनाने के लिए केस भी परसू कर रखा है। लेकिन उस केस में थोड़ा सा क्या हुआ कि वो ये जो हमारी ज़मीन पड़ी 132 के फाजिलपुर में, उसके अंदर जो ज़मीन थी उसमें HUPN के अगेंस्ट वो ज़मीन है, हमारे UHVPN के पास वो ज़मीन नहीं, वो ट्रांजेक्शन में थोड़ी सी उनके भी कुछ अपने दफ्तर में कुछ रेनोवेशन होना था, उसकी वजह से वो अंडर विचाराधीन है। अभी जैसी वो क्लियर हो जाएगी तो यहाँ नया दफ्तर भी एक निर्माण हो जाएगा। इंजीनियर साहब ने तो पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि पहले फाजिलपुर बिल्डिंग की मेंटेनेंस का काम होगा, फिर इस दफ्तर का काम शुरू किया जाएगा, जिसको सुनने के बाद यही लग रहा है कि प्रशासन कर्मचारियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है और किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इस जर्जर दफ्तर को कब ठीक किया जाएगा। खबर फास्ट के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट।